नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोंटियां खबरां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज राज्यसभा च बजट ते चर्चा दा जवाब दे रहे ने। केंद्रीय वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट नवे भारत दे निर्माण दी उम्मीद नूं दर्शाउंदा है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट नूं स्वय निर्भर भारत बनाउण च योगदान पाउण वाला दस्या। देश पिछले 5 साल दौरान 1,02,00,000 तो वध सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां दी रजिस्ट्रेशन कीती गई। नितिन गडकरी ने इलैक्ट्रिक गड्डियां लई स्वदेशी बैटरी विकसित करन दा सद्दा दित्ता। केंद्र वालों देश का पहला खिडौना मेला 27 फरवरी तो 2 मार्च तक। स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और पीयूष गोयल ने सांझे तौर पर भारतीय खिडौना मेले की वैबसाइट लॉन्च की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश दालों के उत्पादन च आत्मनिर्भरता वल बढ़ रहा है। पिछले 5 साल दौरान दालों के उत्पादन च 100,00,000 टन का वाधा होया है। देश च कोरोना वायरस तो ठीक होने वालों की दर 97.2% हुई। इस महीने 7वीं बार 10,000 तो हेठां नवे मामले ते 100 तो हेठां मौतां दर्ज कीतियां गईयां। पंजाब दियां 8 नगर निगमां ते 109 नगर परिषदां ते नगर पंचायतां दियां चोणां लई चोण प्रचार अज शाम 5 बजे तो बंद हो जाएगा। वोटां 14 फरवरी नूं सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक पवाईयां जाणगियां। वोटां दी गिणती 17 फरवरी नूं होवेगी ते उसे दिन नतीजे ऐलाने जाणगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज राज्यसभा च बजट उपर चल रही चर्चा का जवाब देंगे। सीतारमन ने 2021-22 के वित्तीय साल लई 1 फरवरी नूं लोकसभा च केंद्रीय बजट पेश कीता सी। बजट का पहला इजलास पलके खत्म होवेगा ते संसद का अगला इजलास मुड़ 8 मार्च तो शुरू होवेगा ते 8 अप्रैल नूं इसकी समाप्ति होवेगी। इस तो पहला कल चर्चा च हिस्सा लैंदे केंद्रीय वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद विच पेश कीता गया बजट नवे भारत के निर्माण की उम्मीद नूं दर्शाउंदा है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट नूं स्वय निर्भर भारत बनाउण च योगदान पाउण वाला दसदियां कहा कि विरोधी धिर दे कई मैंबर बजट ते चर्चा ना करके होरनां विशयां नूं उठा के संसद दा ध्यान भटकाउण विच लगे होए ने। सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम मंत्रालय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों दौरान देश में 1,02,00,000 तो वध MSMEs की रजिस्ट्रेशन की गई है। केंद्रीय सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमों बारे मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा च एक लिखती जवाब च दस्या कि उद्योग आधार पोर्टल अनुसार 2015 तो जून 2020 विचाले 1,02,32,000 MSMEs की रजिस्ट्रेशन की गई है। उन्हें दस्या कि MSME मंत्रालय ने देश MSME सैक्टर के वाधे ते विकास लई कई होर योजनावां लागू कीतियां ने। उन्हें दस्या कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान अधीन MSME सैक्टर की सहायता लई विशेष तौर पर COVID-19 महामारी दौरान कई पहलकदमियां कीतियां ने। केंद्रीय सड़की आवाजाई ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलैक्ट्रिक गड्डियां दे खेत्र विच स्वदेशी बैटरी विकसित करने लई एकीकृत नजरिया अपनाउण दा सद्दा दित्ता। नवी दिल्ली च एक समारोह दौरान उन्हां कहा कि भारत विश्व च इस खेत्र च मोहरी भूमिका निभाउण दी दिशा वल वध रिहा है। गडकरी ने कहा कि स्थानक तौर ते तकरीबन 81% लीथियम बैटरी घट कीमत ते उपलब्ध है ते इस सदका वड्डी पद्धर ते रुजगार दे मौके पैदा हुंदे ने। उन्हां कहा कि शुरू च 1 करोड़ गड्डियां दे नवी वाहन स्क्रैपिंग नीति अधीन नकारा होण दी संभावना जिस नाल सस्ता एलमीनियम तांबा रबड़ अते स्टील उपलब्ध होवेगा। केंद्र सरकार देश इसे महीने खिडौने के पहले मेले का आयोजन करेगी। मेला 27 फरवरी तो 2 मार्च तक चलेगा। महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अते वणज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कल सांझे तौर पर नवी दिल्ली च इंडिया टॉय फेयर की वैबसाइट लॉन्च की। स्मृति ईरानी ने इस मौके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन पूरा करन अते खिडौना उत्पादन सनत नूं मजबूत बनाउण लई सरकार ने पिछले महीने टॉय कैथान का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि हत्थां नाल
बनाए जाने वाले खिडौणियों के खेत्र च 4000 उद्यम देश में मौजूद ने। उन्होंने कहा कि इस मेले नाल स्वदेशी खिडौना सनत नूं मदद मिलेगी। वणज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिडौना मेला ना सिर्फ खिडौणियों की एक प्रदर्शनी मात्र है बल्कि यह भारतीय खिडौणियों के निर्माण उत्साहित करने लिए केंद्र मंत्रालयों का साझा यतन भी है। सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि पहला मौका है कि सरकार ने इस खिडौना मेले च हिस्सा लैण लई 1.25 लाख तो वध अर्जियां हासिल हुई ने। केंद्रीय खेती ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दालों के उत्पादन च आत्मनिर्भरता के टीचे वल वध रहा है। विश्व पदरी दाल दिवस प्रोग्राम नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन करदे उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 सालों च भारत में दालों का उत्पादन 140 लाख टन तो वध के 240 लाख टन हो गया। तोमर ने कहा कि यह वाधा देश के किसान विज्ञानियों ते केंद्र सरकार दीआं किसान पक्षी नीतियां कारण संभव होया है। देश च कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 97.2% हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार देश च हुण तक पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 1,08,80,603 है जिन्हों विचों 1,05,89,230 सेहतयाब होने तो बाद छुट्टी दिती गई है। इन्हां च बीते 24 घंटों दौरान ठीक हुए 15,900 व्यक्ति भी शामिल ने। इस तरह कोविड मरीजों की मौत दर विच भी कमी आई है। पिछले कुछ दिनों तो कोविड कारण होने वाली मौत 100 तो हेठां दर्ज की जा रही ने। बीते 24 घंटों सिर्फ 87 व्यक्तियों की मौत दर्ज की गई है। हुण तक कुल 1,55,447 व्यक्तियों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के नवे मरीजों की गिनती इस महीने 7वीं बार 10,000 तो हेठां रही है। बीते दिन 9,309 नवे मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय मुताबिक देश में इस वेले 1,35,926 एक्टिव मामले ने जो पुष्टि वाले कुल मामलों की 1.25% बनती है। भारतीय खोज मैडिकल खोज परिषद अनुसार देश हुण तक 20,47,86,784 टेस्ट किए गए ने जिन्हां च बीते दिन किए गए 7,65,944 टेस्ट भी शामिल ने। उत्तराखंड के चमौली जिले च तपोवन सुरंग च फसे लोगों की भाल ते बचाव काम फिर तो शुरू कर दिए गए ने। कल बाद दोपहर जाली गंगा नदी च पानी का पद्धर वधन कारण तकरीबन 1.5-2 घंटे तक बचाव ते राहत काम रोकने पए सन। जिला प्रशासन अनुसार जाली गंगा नदी च पानी का पद्धर उच्चा होने कारण हड़ आउण की स्थिति का खतरा पैदा हो गया सी। तपोवन के आले दुआले वसे पिंडां दे लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचाउण लई ITBP ने एक आरजी चूला पुल तैयार किया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी मौर्य ने आफत प्रभावित इलाकों का दौरा किया ते अधिकारियों नूं राहत ते बचाव काम तेज़ करन लई कहा। इस दौरान 2 होर व्यक्तियों दीआं लाशां मिलण नाल चमोली आफत विच मरण वालियां दी गिणती 36 हो गई है। पंजाब दीआं 8 नगर निगमां ते 109 नगर परिषदां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई चोण प्रचार अज शाम नूं 5 बजे बंद हो जाएगा। पंजाब राज चोण कमिशन दे इक बुलारे ने चंडीगढ़ च दस्सिआ कि इन्हां चोणां दा ऐलान 16 जनवरी नूं कीता गया सी ते चोण प्रचार अज शाम नूं 5 बजे मुकम्मल तौर ते बंद हो जाएगा। बुलारे ने आखिआ कि इन्हां चोणां लई तैनात कीतीआं गईआं पोलिंग पार्टीआं नूं पलके लोड़ींदी चोण समगरी अते इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनां दित्तीआं जाणगीआं अते वोटां पाउण दा काम 14 फरवरी नूं सवेरे 8 बजे शुरू होवेगा ते 4 बजे तक जारी रहेगा। बुलारे ने आख्या कि जेडे वोटर शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथां अंदर दाखिल हो जाएंगे उन्होंने वोटां पाउण दा मौका दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटां की गिणती का काम 17 फरवरी नूं सवेरे 9 बजे शुरू होगा तो उस दिन नतीजों का ऐलान कर दिता जाएगा। इन्हां चोणां लई कुल 9,222 उम्मीदवार मैदान में ने जिन्हां विचों 2,832 आजाद तौर पर चोणां लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 2,037 श्रोमणी अकाली दल के 1,569 भारतीय जनता पार्टी के 1,003 आम आदमी पार्टी के 1,606 उम्मीदवार भी अपनी किस्मत अजमा रहे ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुण दीआं खबरां एक बार फिर तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राज्यसभा च बजट ते चर्चा दा जवाब देणगे। केंद्रीय वित्त राज मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट नवे भारत के निर्माण की उम्मीद नूं दर्शाउंदा है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट नूं स्वै निर्भर भारत बनाउण विच योगदान पाउण वाला दस्सिया। देश पिछले 5 सालों दौरान 1,02,00,000 तो वध सूखम छोटे अते दरमियाने उद्यमां की रजिस्ट्रेशन की गई। नितिन गडकरी ने इलैक्ट्रिक गड्डियां लई स्वदेशी बैटरी विकसित करन दा सद्दा दिता। केंद्र वल्लों देश दा पहला खिडौना मेला 27 फरवरी तो 2 मार्च तक। स्मृति ईरानी रमेश पोखरियाल अते पीयूष गोयल ने सांझे तौर ते भारतीय खिडौना मेले दी वैबसाइट लॉन्च कीती।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश दालों के उत्पादन च आत्मनिर्भरता बल बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों दौरान दालों के उत्पादन च 100 लाख टन का वाधा हुआ है। देश च कोरोना वायरस तो ठीक होने वाले की दर 97.2% हुई। इस महीने 7वीं बार 10,000 तो हेठा नवे मामले 100 तो हेठा मौतां दर्ज कीतियां गईयां। पंजाब दियां 8 नगर निगमां ते 109 नगर परिषदां ते नगर पंचायतां दियां चोणां लई चोण प्रचार अज शाम 5 बजे तो बंद हो जाएगा। वोटां 14 फरवरी नूं सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक पवाईयां जाणगियां। वोटां दी गिणती 17 फरवरी नूं होवेगी ते उसे दिन नतीजे ऐलाने जाणगे। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा। नमस्कार।